नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जोन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कंप्यूटर का लाइव टेस्ट लेकर आए हैं, जो स्पेशल RCET है, पटवारी है, राजस्थान पुलिस है और ऑल कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें भी पता चले कि क्वेश्चन आपके कितने राइट हो रहे हैं। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही 19 जनवरी 2020 को RCET का एग्ज़ाम होने वाला है और दोस्तों आज की डेट में राजस्थान पुलिस के भी फार्म अप्लाई शुरू हो गए हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये पेपर है जो 30 सितंबर 2018 को RCET का हुआ था और इसमें क्वेश्चन कितने होते हैं, 35 होते हैं, जो कितने अंक के होते हैं, 70, यानी एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। आपके पास समय होगा 1 घंटा और 30 प्रश्न पूछेगा, 35 प्रश्न होंगे और प्रत्येक अंक का 2 अंक का होगा। आगे हम बात कर लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, वक्तव्य यानी प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता हर्टज में मापी जाती है। वक्तव्य 2 है यानी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है और निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनें। दोस्तों, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, आंसर दीजिएगा। ए नंबर ऑप्शन है वक्तव्य यानी 1 सही है और वक्तव्य 2 गलत है। बी नंबर ऑप्शन है वक्तव्य 1 गलत है और वक्तव्य 2 2 नंबर सही है। सी नंबर ऑप्शन है दोनों वक्तव्य ए और वक्तव्य दोनों ही गलत हैं, यानी डी नंबर ऑप्शन है दोनों वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 सही है। तो इसका आंसर होगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिएगा, इसका आंसर है बी नंबर ऑप्शन यानी वक्तव्य 1 गलत है और वक्तव्य 2 सही है, यानी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड उपयोग किया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है विंडोज़ 10 के लिए बुलेट इन यानी बिल्ट रियल टाइम एंटीवायरस है, इसका नाम है। ए नंबर ऑप्शन है कोर्टानो, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एज, सी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर, डी नंबर ऑप्शन है विंडोज़ डिफेंडर। आपके पास 10 सेकेंड है, इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जल्दी से दीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो नए बच्चे आए हैं, स्टूडेंट आए हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन यानी विंडोज डिफेंडर। आगे हम बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है। ए नंबर ऑप्शन है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, बी नंबर ऑप्शन है SMS वर्ड 2010 और SMS एक्सेल 2010, सी नंबर ऑप्शन है SMS पेंट और पेंट टूल और डी नंबर ऑप्शन है गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। इसका आंसर जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, जो नए बच्चे आए हैं, स्टूडेंट आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो आगे प्राप्त हो सके। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन इनपुट और आउटपुट डिवाइस। 4 नंबर क्वेश्चन है मान लीजिए 6 क्षेत्रों के जैसे कृषि, निर्माण, विनिर्माण, खनन जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद योगदान, तो MS एक्सेल 2010 में पूरे भारत में सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक क्षेत्र योगदान को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा है, यानी MS एक्सेल में कौन सा उपयुक्त चार्ट है। लाइन बी नंबर ऑप्शन है एरिया, सी नंबर ऑप्शन है XY सेक्टर और डी नंबर ऑप्शन है पाई। तो इसका आंसर हमारे कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिएगा, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। दोस्तों, ये 30 सितंबर 2019 का पेपर है, जो एग्ज़ाम में यानी RCET का पेपर है 30 सितंबर 2018 का। आगे हम बात कर लेते हैं, इसका आंसर है डी नंबर ऑप्शन यानी पाई है, यानी 6 क्षेत्रों कृषि, निर्माण, विनिर्माण, खनन आदि में भारत सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है। तो MX सेक्शन में पूरे भारत में सकल घरेलू उत्पाद के योगदान को दिखाने के लिए क्या है, पाई का प्रयोग करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है यानी डैश डैश खाली है, खालिस्तान है, कंप्यूटर PD यानी कंप्यूटर PD VLMIR प्रौद्योगिकी के साथ IC का उपयोग करती है। ए नंबर ऑप्शन है प्रथम, बी नंबर ऑप्शन है द्वितीय, सी नंबर ऑप्शन है तृतीय
यानी तीसरा डी नंबर ऑप्शन है चतुर्थ। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना, यानी और भी बच्चे एग्जाम टेस्ट दे सकें इस लाइव टेस्ट। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन यानी चतुर्थ। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेस 2010 की विशेषज्ञता नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है रिलेशनल आधारित संरचना, बी नंबर ऑप्शन है ए सी आई डी गुण, सी नंबर ऑप्शन है कम रिडेंसी, सी नंबर ऑप्शन है यह विभिन्न एनिमेशन यानी प्रदान करता है। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ये 30 सितंबर 2018 का आया हुआ पेपर है जो RCIT में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी राजस्थान पुलिस के फार्म अभी शुरू हो गए हैं। तो आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, हमारे पास इसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है आपके लिए, आप फॉर्म कैसे भरें SSOID के माध्यम से। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन यानी यह विभिन्न एनिमेशन प्रदान करता है। आगे हम बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नेटवर्क ट्रांसमिशन रेंज यानी सबसे कम है। ए नंबर ऑप्शन है ब्लूटूथ, बी नंबर ऑप्शन है वाईफाई, सी नंबर ऑप्शन है इंफ्रारेड और डी नंबर ऑप्शन है वाई मैक्स। तो इसका आंसर आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसका आंसर है सी नंबर ऑप्शन यानी इंफ्रा रेड, यानी इसकी क्या ट्रांसमिटन रेंज है वो सबसे कम है। आगे हम बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है जो ऑब्जेक्ट को क्लाउड कर डेटा एकत्र और एक्सचेंज करने में सक्षम रखता है बनाता है। ए नंबर ऑप्शन है IoT, बी नंबर ऑप्शन है बिग डेटा, सी नंबर ऑप्शन है लाईफाई और डी नंबर ऑप्शन है गूगल ग्लास। तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिएगा दोस्तों, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। दोस्तों ये क्वेश्चन पटवारी है, राजस्थान पुलिस है और ऑल कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों जो बच्चे BA के अंदर फर्स्ट ईयर में होते हैं उनके लिए कंप्यूटर का एग्ज़ाम लगता है, उन्हीं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, यानी ग्रेजुएशन टाइम के अंदर यानी BA BSc। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन IoT, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेस यानी ईमेल फोल्डर क्या है। ए नंबर ऑप्शन है यह वह जगह है जहां आपके आने वाले ईमेल संग्रहित किए जाते हैं, बी नंबर ऑप्शन है यह वह जगह है जहां हटाए गए ईमेल संग्रहित किए जाते हैं, सी नंबर ऑप्शन है यह वह वेब आधारित चैट सेवा है और डी नंबर ऑप्शन है यह वह जगह है जहां आउटगोइंग ईमेल या अस्थायी रूप से संग्रहित है। तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से दीजिएगा, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों ये 30 सितंबर 2018 का आया हुआ पेपर है, यानी RCIT का पेपर है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, यह वह जगह है जहां आपके आने वाले ईमेल संग्रहित किए जाते हैं, यानी ट्रेस ईमेल फोल्डर क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है, SOMS एक्सेस 2010 में यानी उपयोगकर्ता या तो खालिस्तान व्यू में नई टेबल बना सकता है। ए नंबर ऑप्शन है डिजाइन डेटा शीट, बी नंबर ऑप्शन है फार्मूला प्रिंट, सी नंबर ऑप्शन है टेक्स्ट नंबर और डी नंबर ऑप्शन है बुक मार्क हाइपर लिंक। तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिएगा, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। इसका आंसर है जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ए नंबर ऑप्शन है डिजाइन डेटा शीट। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य में से सबसे उपयुक्त विकल्प चयन करें। ए नंबर ऑप्शन है करेक्टर प्रिंटर और लाइव प्रिंटर गैर प्रभाव प्रिंटर के वदा उदा, यानी बी नंबर ऑप्शन है CD RDBD माध्यम मिक मेमोरी के उदाहरण है, सी नंबर ऑप्शन है जियोस्टिक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है और डी नंबर ऑप्शन है सभी विकल्प सही है।
तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिएगा, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। दोस्तों वीडियो को शेयर करना ताकि और भी स्टूडेंट आप ये लाइव टेस्ट दे सकें। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी GDR DVD माध्यमिक मेमोरी के उदाहरण है। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप अपने लैपटॉप के साथ विंडो 10 का उपयोग कर रहे हैं तो आप स्पीकर वॉल्यूम वायरलेस कनेक्शन यानी स्टेट्स ऑफ डिस्प्ले ब्राइटनेस इत्यादि जैसे सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन है विंडोज डिफेंडर, बी नंबर ऑप्शन है विंडोज सिंक सेंटर, सी नंबर ऑप्शन है विंडोज मोबिलिटी सेंटर और डी नंबर ऑप्शन है विंडोज फायर वॉल। तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आपको RCET में जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के वो करवाए जाएंगे और अदर एग्ज़ाम में आए हुए हैं वही भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। यानी आज राजस्थान पुलिस का फार्म चालू हो चुका है दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी गई है जिससे आप फार्म भर सकते हैं। यानी फार्म कैसे भरें आप SSO ID के माध्यम से। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है यानी सी नंबर ऑप्शन विंडोज मोबिलिटी यानी सेंटर। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक संचार नेटवर्क या एक कंप्यूटर चैनल की क्षमता प्रति सेकंड बीट से संचारित करने को कहा जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन है बेड विड्थ, बी नंबर ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, सी नंबर ऑप्शन है ए और बी और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिएगा, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों ये जैसे राजस्थान पुलिस है, पटवारी है, RCET के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आपके भी एग्ज़ाम में ये रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ए नंबर ऑप्शन यानी बेड विट्स। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है MS Word, बी नंबर ऑप्शन है एंटीवायरस, सी नंबर ऑप्शन है स्कैनर और डी नंबर ऑप्शन है प्रिंटर ड्राइवर। तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ BA है, BSc लेवल के कंप्यूटर का एग्ज़ाम लगता है, उसमें कुछ बच्चे पास नहीं हो पाते हैं और आप इन्हें पढ़िए और तैयारी करिए दोस्तों, इसमें लाइव टेस्ट दीजिएगा, आपके अच्छे अंक बनेंगे। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन यानी स्कैनर, जो निम्न में से सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, यानी स्कैनर है, जो ये स्कैनर है इसके स्कैन करता है कोई भी। MS SQL यानी 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है। ए नंबर ऑप्शन है 1145 AZ, बी नंबर ऑप्शन है AZ 145, सी नंबर ऑप्शन है A12 AZ और डी नंबर ऑप्शन है 11 AZ 12। तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिएगा, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों इसी के साथ आपको करंट अफेयर की क्लासें उपलब्ध करवाई जा रही है, सुबह 7 बजे आपको उपलब्ध करवा दी जाती है, 6:30। इसका आंसर है बी नंबर ऑप्शन यानी AZ 11145, यानी AZ 145 ये क्या है, MS Excel 2000 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल यानी विंडोज 10 APRS और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग में, यानी ए नंबर ऑप्शन है उपयोगकर्ता को डेस्कटॉप पृष्ठभूमि पर अपनी पसंद की तस्वीरें बदलने की अनुमति देता है। बी नंबर ऑप्शन है यानी उपयोगकर्ता को क्या स्क्रीन सेवर को बदलने या असक्षम करने की अनुमति देता है। सी नंबर ऑप्शन है उपयोगकर्ता को स्क्रीन रिजोल्यूशन रंग की गुणवत्ता बदलने की अनुमति देता है और सी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिएगा, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर है डी नंबर ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नर सेवाओं के रूप में माना जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस, बी नंबर ऑप्शन है कार ड्राइविंग, सी नंबर ऑप्शन है सब्जियां खरीदना और डी नंबर ऑप्शन है T-shirt प्रिंटिंग। तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिएगा दोस्तों, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन यानी ड्राइविंग लाइसेंस। 18 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन नेविगेशन के उपयोग किया जाता है जिसे आपका फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको स्थान से स्थानांतरित करने के लिए उपयोग करता है। ए नंबर ऑप्शन है यानी GPS, बी नंबर ऑप्शन है RFID रिफर्ड, और सी नंबर ऑप्शन है ब्लूटूथ, और डी नंबर ऑप्शन है ऑप्टिकल फाइबर। तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों। यानी 30 सितंबर 2019 का ये RCET का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का ये पेपर है दोस्तों। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, यानी राजस्थान पुलिस है, पटवारी है, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में अक्सर ये कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन यानी GPS। 19 नंबर क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो शुरू करने के लिए, यानी ए नंबर ऑप्शन है F5 कुंजी दबाएं, यानी प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो शुरू करने के लिए कैसे क्या करते हैं, यानी F5 को कुंजी दबाएं, यानी बी नंबर ऑप्शन है स्लाइड शो को मेनू न्यू शो यानी व्यू शो को विकल्प चयन करें, और सी नंबर ऑप्शन है स्लाइड शो यानी मेनू को रिहम टाइम तय करें, और सी डी नंबर ऑप्शन है विकल्प ए यानी विकल्प बी का चयन करें। इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों। आपको सभी यानी ऑल कंपटीशन में एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। इसी के साथ RCET में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आज तक, उनके यानी आपको टेस्ट करवाया जाएगा, यानी आपके कितने आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी दोस्तों। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन यानी विकल्प ए और विकल्प बी का चयन करें, यानी F5 यानी कुंजी दबाएं, और बी नंबर ऑप्शन है स्लाइड शो में मेन्यू न्यू शो का चयन करें। आगे हम बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनें। ए नंबर ऑप्शन है वर्क बुक में एकाधिक वर्क शीट को चार्ट शामिल होते हैं। बी नंबर ऑप्शन है वर्क शीट में कई वर्क बुक्स और चार्ट शामिल होते हैं। सी नंबर ऑप्शन है वर्क बुक्स में कई स्लाइड और चार्ट होते हैं, और डी नंबर ऑप्शन है वर्क शीट में विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों। काफ़ी बच्चों के आंसर राइट आ रहे हैं दोस्तों। आपके सामने ये लाइव टेस्ट चल रहा है, इसका आंसर आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर है ए नंबर ऑप्शन यानी वर्क बुक में एकाधिक वर्क शीट और चार्ट क्या होते हैं शामिल होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है MS Excel 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन है चार्ट शीर्षक, बी नंबर ऑप्शन है डेटा पॉइंट, सी नंबर ऑप्शन है लीजेंड, और डी नंबर ऑप्शन है ग्रिड लाइन। इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों। आपको हर 2 दिन के बाद एक लाइव टेस्ट मिलेगा 4:15 पर। इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका आंसर आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। इसका आंसर है डी नंबर ऑप्शन यानी ग्रीड लाइन। 22 नंबर क्वेश्चन है यदि आप MS Excel 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन है यानी पेज ओरिएंटेशन, यानी बी नंबर ऑप्शन है पेज साइज, सी नंबर ऑप्शन है यानी प्रिंट टाइटलेस, डी नंबर ऑप्शन है स्केल टू फिट। तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा, आपके पास क्या है 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों। ये 23 सितंबर 2018 का एग्ज़ाम होता, ये RCET का एग्ज़ाम पेपर है, और इसी के साथ आपको जितने भी RCET के एग्ज़ाम हुए तो उनके भी पेपर क्लियर करवाए जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ ये पटवारी, राजस्थान पुलिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी नंबर ऑप्शन यानी प्रिंट टाइटलेस। 23 नंबर क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन के एक नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। ए नंबर ऑप्शन है Ctrl+M, बी नंबर ऑप्शन Ctrl+D, सी नंबर ऑप्शन है Ctrl+J, और डी नंबर ऑप्शन है Ctrl+N। तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, आपके पास क्या है 10 सेकंड का टाइम है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन यानी Ctrl+M। आगे हम बात कर लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। OTP यानी सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा यानी सुविधाओं में एक रूप के उपयोग किया जाता है, यानी OTP का पूरा नाम है। ए नंबर ऑप्शन है ओनली टाइम पीरियड, बी नंबर ऑप्शन है वन टाइम पीरियड, सी नंबर ऑप्शन है वन टाइम पासवर्ड, और डी नंबर ऑप्शन ओनली टाइम पासवर्ड।
तो इसका आंसर है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये दोस्तों 30 सितंबर 2018 का आरसीईटी का पेपर है दोस्तों। इसके साथ आपको ऑल कंप्यूटर यानी ऑल जो आरसीईटी के पेपर हुए, जितने भी पेपर हुए आज तक, उन आपको सभी क्लियर करवाए जाएंगे। इसका आंसर है सी नंबर ऑप्शन, यानी वन टाइम पासवर्ड। यानी वन टाइम पासवर्ड होता है जो हमारे मोबाइल में कोई भी लेन देन करते हैं तो उसमें ओटीपी अवश्य आता है, उसे ही उसका पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड, यानी 1 मिनट के लिए होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप्स बॉक्स का उदाहरण है। ए नंबर ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है सर्च इंजन, और सी नंबर ऑप्शन है नेटवर्क टोपोलॉजी, और डी नंबर ऑप्शन है क्लाइड स्टोरेज सर्विसेज। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करना भूलें जो नए स्टूडेंट आए हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, यानी क्लाइड स्टोरेज सर्विसेज। 26 नंबर क्वेश्चन है, एमएस आउटलुक 2010 का मुख्य उपयोग क्या है। ए नंबर ऑप्शन है इसका उपयोग ड्राइंग एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है, बी नंबर ऑप्शन है इसका उपयोग गणना करने वाली एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है, सी नंबर ऑप्शन है इसका उपयोग ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है, और डी नंबर ऑप्शन है इसका उपयोग वेब ब्राउजिंग एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिएगा, 10 सेकेंड का टाइम है दोस्तों। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं जिससे आपको नई नई जानकारी मिले, और इसकी PDF भी आप वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, इसका उपयोग ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। यानी एमएस आउटलुक 2010 का मुख्य उपयोग किस में किया जाता है, यानी इसका उपयोग ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान एमएस एक्सेल 2010 टूल है जो किसी अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पिछड़ा काम करता है। ए नंबर ऑप्शन है बूलियन ऑपरेटर, बी नंबर ऑप्शन है मेल मर्द, सी नंबर ऑप्शन है गोल की सिक, और डी नंबर ऑप्शन है बुकमार्क। इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को जो बच्चे नहीं आए स्टूडेंट आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी गोल सिक। 28 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सी कार्यक्षमता पृष्ठ लेआउट यानी समूह विकल्प के साथ उपलब्ध नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है यानी ओरिएंटेशन विकल्प का उपयोग कर लैंडस्केप और लेड आउट के बीच में पेज को स्विच करना, बी नंबर ऑप्शन है इंडेज यानी विकल्प का उपयोग कर कुछ दूरी तक पैराग्राफ को बाएं तरफ ले जाना, और सी नंबर ऑप्शन है टेबल विकल्प का उपयोग कर टेबल डालना, पृष्ठ की सामग्री पीछे भूतती पाठ डालना। तो इसका आंसर होगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो इसका आंसर होगा टेबल यानी टेबल विकल्प का उपयोग कर टेबल डालना। 29 नंबर क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन प्लग का उपयोग क्या है। ए नंबर ऑप्शन है क्या वर्तनी में व्याकरण की जाँच कर सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन है आप क्या स्लाइड एनिमेशन को एक सूची में देख सकते हैं, सी नंबर ऑप्शन है आप स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों। ये 30 सितंबर 2018 का आरसीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, यही पेपर है दोस्तों। आपके इसी के साथ 2008 यानी आरसीईटी के जितने भी एग्ज़ाम हुए उनके बारे में, उनके सभी पेपर आपको क्लियर करवाए जाएंगे। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी एक स्लाइड पर लागू एनिमेशन एक सूची में देख सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की, यदि एमएस वर्ड 2010 में ग्राफिकल सूची, प्रक्रिया आरेख, वेन आरेख, संगठन चार्ट इत्यादि जैसे ग्राफिकल आरेख बना सकते हैं, फिर आप खालिस्तान आसानी से उपयोग बना सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, बी नंबर ऑप्शन है हेडर और फुटर, यानी सी नंबर ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस, और डी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ड्रा। तो इसका आंसर आपके हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो इसका आंसर है ए नंबर ऑप्शन, यानी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक,
31 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोर यानी विंडोज खालिस्तान में वेब ब्राउजर द्वारा प्रस्थापित किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन है विंडोज स्टोर, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एज, सी नंबर ऑप्शन है गूगल क्रोम और डी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट क्रोम। इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और इसकी PDF आप डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है। तो इसका आंसर है बी नंबर ऑप्शन यानी माइक्रोसॉफ्ट एज। 32 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट यानी विकल्प बाएं से दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है तथा बाएं और दाएं किनारों पर सीधे किनारों का उत्पादन करता है। ए नंबर ऑप्शन है यानी सेंटर, बी नंबर ऑप्शन है जस्टिफाई, सी नंबर ऑप्शन है लेफ्ट और डी नंबर ऑप्शन है राइट। तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ ये क्वेश्चन RCET और इसके स्पेशल RCET 19 जनवरी 2020 को एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे दोस्तों। आज से राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। इसका आंसर है बी नंबर ऑप्शन यानी जस्टिफाई। 33 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के दौरान प्रापक प्राप्तकर्ता ईमेल पता यानी खालिस्तान में डाला जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन है केवल 2 बॉक्स में ही, बी नंबर ऑप्शन है केवल 2 और CC बॉक्स में ही, सी नंबर ऑप्शन है केवल 2 BBC CC में और डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो इसका आंसर है यानी सी नंबर ऑप्शन केवल 2 और BC और CC। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस नेटवर्क की रणनीति सभी नोड फ्लाइट सर्वर के रूप में कार्य करते हैं। ए नंबर ऑप्शन है यानी टर्मिनल, बी नंबर ऑप्शन है क्लाइंट सर्वर, सी नंबर ऑप्शन है पीयर टू पीयर और डी नंबर ऑप्शन है शेड्यूलिंग। तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों। ये लाइव टेस्ट चल रहा है और ये 30 सितंबर 2018 का RCET का एग्ज़ाम पेपर है दोस्तों। इसी के साथ ये BA और BSc लेवल के जो कंप्यूटर में एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर है सी नंबर ऑप्शन यानी पीयर टू पीयर। 35 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन है। ए नंबर ऑप्शन है रिंग टोपोलॉजी, बी नंबर ऑप्शन है मेश टोपोलॉजी, सी नंबर ऑप्शन है हेक्सागोनल टोपोलॉजी और डी नंबर ऑप्शन है ट्री टोपोलॉजी। दोस्तों इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से दीजिएगा, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों। ये 30 सितंबर 2018 का एग्ज़ाम हुआ है, इसी का एग्ज़ाम का AVA पेपर है। इसका आंसर है दोस्तों डी नंबर ऑप्शन यानी टी टोपोलॉजी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो दोस्तों। 2 दिनों के बाद में आपको 4:15 पर आपको वीडियो मिल जाएगी, लाइव आप एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों, टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपके कितने आप दोस्तों वीडियो कंट अब आपके क्वेश्चन कितने राइट हुए हैं इसकी आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा आपके क्वेश्चन कितने राइट हुए हैं। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसी ये RCET का एग्ज़ाम का हुआ 2013 का पेपर है, यानी 2018 का पेपर है दोस्तों। आज से राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, आप कैसे इस राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरें इसकी PDF आप सॉरी वीडियो आपको उपलब्ध करवा दी गई है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।